अलग से ट्रैक बनाया गया है इस चीज को साफ करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई जर्नी वीडियो में। पर इस जर्नी में कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप लोग से जरूर शेयर करना चाहते थे हम लोग, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि कुछ एक्साइटिंग चीज हुई है, लेकिन हमारी गाड़ी 9 घंटा लेट चल रही थी। और ये कोई आम गाड़ी नहीं है, ये है राजधानी एक्सप्रेस जिसमें हम लोग बैंगलोर से दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे। आप लोगों ने कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत का वीडियो देखा, उसके बाद मैं, मोहित भाई और यहाँ पे भाभी जी हैं, संदीप भाई हैं, हम सभी लोग ट्रैवल कर रहे थे। और हमारा ये था कि भाई कैसे भी दिल्ली पहुँचना है, और आगे बहुत सारी जो वंदे भारत खुली है उसमें से कई वंदे भारत आप लोग के लिए कवर करनी है। और इसके लिए हम लोगों ने बैंगलोर से सेम डे मतलब बिना सोए जाके गाड़ी पकड़ी, राजधानी रीशेड्यूल हुई, रास्ते में और भयंकर लेट हुई, मतलब चीजें बढ़िया चल रही थी और यहाँ तक भी अभी तक बढ़िया था। और हम लोगों ने आज सुबह सुबह धनंजय भैया ने डेली ट्रेवल ऐप वाले भैया का स्टोरी देखा कि मथुरा में जो हमारी EMU ट्रेन होती है, EMU ना सली भाई, वो डिरेल हो गई है, उसका थोड़ा सा हादसा हुआ जिसमें किसी की जान माल की हानि नहीं हुई, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। हमने सोचा चलो कुछ हादसा हुआ होगा, तो हम लोग बस थोड़ा सा एक्टिव थे मथुरा पे। उसके बाद देखो आप लोग मथुरा पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एकदम लाइव अपडेट पूरा आपको दिखाता हूँ। आज ही का पूरा वीडियो है, आज ही की पूरी कहानी है, कैसे वो लोग वहाँ हटा रहे हैं, क्या प्रक्रिया चल रहा है, इस वीडियो को पूरा आप देखिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आप लोगों का स्वागत है। ट्रेन का हॉल्ट यहाँ पे मुझे लगता है होने वाला है, वैसे तो स्किप होना चाहिए था पर उम्मीद लग रही है कि यहाँ पर ट्रेन रुक जाएगी। पेड़े तो खैर नहीं खरीद पाएंगे ब्रजवासी के, लेकिन आप लोगों को जरूर बताएंगे कि कभी अगर आ रहे हो तो बस स्टैंड के पास वाले ब्रजवासी से पेड़े जरूर खरीदना। भाई राजधानी अपनी मथुरा में जाकर के खड़ी हो रही, पहली बार देख रहा हूँ कि मालगाड़ी में ICF कोच लगा हुआ है। अच्छा, ये इंस्पेक्शन यहाँ पे कल एक एक्सीडेंट हुआ था ना प्लेटफॉर्म 2 और 2A के बीच में, इसलिए गाड़ी खड़ी है। देखो एक्सीडेंट रिलीफ बेंच, मैं भी सोचो मालगाड़ी में कैसे एक्सप्रेस का कोच लगा दिया, शायद यहीं पे हुआ था, यही वाले प्लेटफॉर्म। भाई साहब ये क्या हुआ है यहाँ पे, मोहित भाई ये क्या हो गया भाई, मथुरा में जो हादसा हुआ है उसको आप लाइव देख लो मेरे साथ, कैसे हो गया ये, इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे, पता नहीं कैसे भाई साहब कहाँ से क्या के क्या हो रखा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पुलिस भी पूरा लगी हुई है पूरे में, वैसे मथुरा जंक्शन में तो अपने स्टॉप नहीं है, लेकिन ट्रेन हो गया है अपना, मैं बैंगलोर राजधानी में ट्रैवल कर रहा था अभी फर्स्ट AC में, और आप लोग देख लो यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिला है। मथुरा जंक्शन में जो हादसा हुआ है उसका लाइव कवरेज मैं आपको एकदम ताज़ा यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, मतलब कोई भी डिले नहीं, कुछ नहीं, कैसे हुआ क्या हुआ, पूरी मेमू ट्रेन आके प्लेटफॉर्म 2 और 2A के गैप में जाके चढ़ गई है। आ जाओ संदीप भाई, मतलब किसी का मतलब जान वान ना गई हो, बस एक्सीडेंट रिलीफ वैन जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई थी, हम लोग भी सोच रहे थे ऐसा क्यों है। अलग से ट्रैक बनाया गया है इस चीज को साफ करने के लिए यहाँ पे। भाई साहब बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आप लोगों के मन में अपडेट की जानकारी चली रही होगी भाई क्या हुआ कैसे हुआ, ये चीज़ जानना तो चाहते ही होंगे। बाकी देख लो साथ ही साथ वहाँ पे कासगंज वाली लाइन पे कोई गाड़ी निकल रही है मथुरा से, कासगंज वाली लाइन पे। नया ट्रैक मुझे लग रहा है बिछाया गया है तुरंत और आगे तक, ताकि वो वहाँ पे एक्सीडेंट रिलीफ वैन और बाकी ट्रेनें पहुँच सके।
हाँ तो भाई कुछ ऐसा अपडेट था, ये कुछ ऐसा हाल था, बाकी हम लोग भी नहीं समझ पाए क्या हुआ। मैं और मोहित भाई तो नीचे उतर ही गए देखने, पुलिस तो पास भी नहीं जाने दे रही थी। क्यों संदीप भाई? बिल्कुल, वहाँ बैरिंग करके रखा हुआ था वहाँ पे, तो हम अपनी गलाव नहीं थी वहाँ पे। और हम लोग की लकली कोच एकदम आ गए, तो हम लोग देख भी उस चीज़ को। फ्रंट कोच था जहाँ पे ये एक्सीडेंट का मतलब हुआ था सारा, वहीं पे अपनी ट्रेन रुकी हुई थी। और पूरा मतलब वो कॉशन का जो होता है ना, कॉस का एक बोर्ड लगा रहता है, वो लगा हुआ था। पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे थे। सबसे अच्छी बात है किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हाँ मतलब कोई भी नुकसान जनता को नहीं हुआ है, रेलवे को हुआ है ये चीज मानता हूँ, पर ये टेक्निकल एरर था शायद, ब्रेक नहीं लगा था ना। स्पीड में गाड़ी थी, मतलब जिस हिसाब से प्लेटफॉर्म पे उसको सरकार से आता है थोड़ी सी अधिक रफ्तार में आई और कंट्रोल नहीं हो पाया, इस कारण से। अच्छा, और ये गाड़ी चलती मथुरा शकुर बस्ती, दिल्ली के लिए जा रही थी, और इसमें किसी की जान नहीं गई। एक व्यक्ति की मतलब शायद थोड़ी बहुत चोट आई है उसको, या झटका वटका लगा होगा। बाकी हम लोग आ रहे थे बैंगलोर राजधानी में, आप लोग थोड़ा देख लो, फर्स्ट एसी में फ्लाइट बहुत महंगी थी, और यही थोड़ी ऐसी थी जिसे हम अफोर्ड कर सकते। बहुत अलग है जो ऑलरेडी आप देखोगे आने वाले सीरीज में, दो पार्ट का तो आएगा ये वीडियो, और लगता है तीन चार पार्ट बन जाएंगे भाई। लॉन्गेस्ट राजधानी जर्नी हो गई हमें लग रहा है हमारे। लॉन्गेस्ट राजधानी आप सोच भी नहीं सकते, 9 घंटे राजधानी लेट, 9 घंटे को, ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है, 9 घंटे, और इसके पीछे ट्रेन 20-20 घंटा लेट है मतलब। लेकिन जो ओवरऑल रिव्यू रहा है वो थोड़ा बहुत तो आप बता ही सकते हो पब्लिक को कैसा रहा है। ओवरऑल देखो क्या है ना कि खाने पीने के मामले में क्या होता है कि देखो अगर आप फर्स्ट एसी बुक कर रहे हो तो सबसे मेन चीज होता है फूड कैटरिंग, लाइक वो सर्विसेज कैसा है। तो नो डाउट फूड सर्विस तो बहुत अच्छा मिला है, काफ़ी बढ़िया स्टाफ है इस ट्रेन के, और जो मतलब ट्रेन लेट होने के बाद फूड सर्व किया जाता है ना आपको, वो भी सुबह ऐसा सर्व किया गया जैसा लगता है कि वो जो होता है ना फ्रेश जो ब्रेकफास्ट आपको देते हैं, कोई भी चीज़ में ऐसा कटौती नहीं कि भाई चलो अब ट्रेन लेट हो गया तो थोड़ा थोड़ा दे दे, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से। ये काफ़ी बढ़िया लगा इस ट्रेन का। तो जो भी इस ट्रेन का फूड कैटरिंग स्टाफ है, मैनेजर है, उनको भाई अब एक थम्स अप भाई। इतना लंबी दूरी की गाड़ी है, साफ सफाई मेंटेन करना, इतने यात्रियों का खाना पहुंचाना, 6-9 घंटा लेट चल रही है, आसान चीज़ तो ये सब बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट देखना ये बड़ी बात है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग मिलने आए थे दोस्ती यारी में, हम लोग कैसे थके पड़े रहे, क्या क्या किया है हम लोगों ने, ये सभी चीज़ आपको जानना है। मो इनसाइड इट नाम का चैनल है भाई का, और भाभी का भी चैनल है, क्या नाम है, जी एस व्लॉग्स, तो वहाँ पे लोग डालने वाले हैं। अभी हम लोग के चैनल में तो राजधानी का जर्नी थोड़ा आराम से आएगा, बीच में बहुत सारा लाइनअप लगा हुआ है, अभी आप लोग की पसंद के वीडियोस आने वाले हैं। पर भाई के डेली व्लॉग फॉलो करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 3 पार्ट में क्या स्ट्रगल रहा है एक्चुअली, मतलब ट्रेन के अंदर स्ट्रगल नहीं रहा है, बाहर स्ट्रगल रहा है, कैसे कैसे खड़ी रही है 40+ आवर्स इन राजधानी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एक डिटेल जर्नी आ रही है, वो इनसाइड पे पहुंचिए, और मैं और संदीप भाई अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जल्दी 1-1.5 महीने में वीडियो आ जाए फेसबुक में, नहीं तो यूट्यूब पे, हम लोग भी लगे हुए इस चीज़ में। लेकिन ये अपडेट देना जरूरी था, वरना बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई एक्सीडेंट हुआ था, क्या हो गया, कितना बड़ा हाइप हो गया, क्या चीज़ हो गया। नहीं, रेलवे काम कर रही है, रात 2 बजे करीब ये हुआ है चीज़, और सुबह से देख लो नया ट्रैक बिछा के, मशीन लगा के, जैसे भी करके आपके लिए गाड़ी खोली जाएगी, गाड़ी नहीं रुकेगी। चलिए मिलते हैं नई जगह। ये देखो स्टॉक, आपको लग रहा होगा गाड़ी लेट है तो खाना नहीं मिला है ना, भर के चले गए हमारे भैया, आप लोग आराम से खाओ, हम लोग भी सोचे खाना नहीं मिलेगा इसलिए बैकअप पे केला ले लिए। अमन भाई आए थे तो कचौड़ी का पूरा थैला ही ले आया आगरा से, पेठे ले आए, मतलब खाने का ऐसे कि अंबार लगा हुआ है हमारे कोच में। सोचो जब दो दो फूड ब्लॉगर और रिव्यू करने के लिए संदीप भाई साथ चल रहे हैं, तो खाने पीने का कोई भी कमी गाड़ी में नहीं, हमने नहीं होने दिया, कैटरिंग वालों को तो छोड़ दो, हम ही लोग अपने दो दो झोले लेकर चले। चलिए मिलते हैं जर्नी में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।